हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज फिर से एक जल्दबाजी वाली डिश जो कि है छोटे वाले बैंगन की। और हमारे यहाँ गांव में ना इसको डिस्को बैंगन बोलते हैं, इसलिए मैंने सब्जी का नाम रखा है डिस्को वाले बैंगन। और जब तक कौशिकी इसमें अपनी थोड़ी कारीगरी ना दिखा ले तब तक तो मेरे वीडियो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए मिल करके बनाते हैं। और इसको फटाफट मैंने मतलब सारी जो कटिंग वगैरह है ना करके रख रखी है, तो ये मैंने मिर्ची, अदरक और लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ एक साथ मिक्सी में डाल करके और इसको पीस लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और फिर यहाँ पे ये जो छोटे वाले बैंगन है ना, इनको मैंने अच्छे से धुल लिया था और इनके ऊपर का जो साइड वाला थोड़ा थोड़ा छिलका होता है उनको हटा करके ट्रिम कर लिया था। और इसके बाद जब ये बैंगन है ना, इनको इस तरीके से चार फारी कर लेनी है और अंदर से चेक भी कर लेना है कि भाई कीड़े ना हो, क्योंकि बैंगन में कीड़े बहुत होते हैं और छोटे वाले में तो बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये इस तरीके से मैंने अपने जो सारे बैंगन थे उनको कट कर लिए और तेल गर्म होने के लिए रख रखा था। तो फटाफट इन बैंगनों को ना एक बार फ्राई कर लेना है ऊपर से, ताकि जो ये आधे पक जाए, मतलब इनको 4-5 मिनट लगता है, 5 मिनट में तो ये बिल्कुल अच्छे से पक जाते हैं। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं ना उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ मैंने ये जो सारे बैंगन थे इनको निकाल लिया है। अब तेल को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और उसी तेल के अंदर मैंने जीरा डाल दिया, और जीरा डालने के बाद जो पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको ना हमें थोड़ा सा भुनना है। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे भुनते भुनते, तो फिर हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी, नमक, मिर्च, मिर्चों हरा यूज़ किया है, मतलब कश्मीरी मिर्च, और गरम मसाला, धनिया पाउडर सब डाल करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना वो जो एवरेस्ट का चिकन मसाला होता है वो भी इसमें ऐड किया है। और फिर इसको हमें ढक करके अच्छे से भुनना है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच घर की जो मलाई होती है वो, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते 2 से 3 मिनट में ही जो हमारा मसाला होता है ना वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, उसको मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने मसल करके डाल दिया। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जो हमारे बैंगन हैं वो। बैंगन ऑलरेडी आधे पक चुके हैं, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी जो डालना है ना वो गरम यूज़ करना है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से ना इसका ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा मतलब अच्छा नहीं आएगा, इसलिए गरम पानी का यूज़ करना है। गरम पानी अगर ग्रेवी में हर बार गरम पानी यूज़ करें तो उससे सही रहता है। और पानी एडजस्ट करके इसको ढक करके धीमे आंच पे छोड़ दें पकने के लिए। 5-7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये आप देख सकते हो जो हमारी सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन के अंदर। मैं सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसके बावजूद भी मैं लगी हुई थी कि वीडियो बना लूँ। तो कोशिश को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। और ये हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार, तो चलिए इसको दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल यम्मी सी बन करके तैयार हो गई है। और ये सब्ज़ी मतलब पराठे और रोटी के साथ तो बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। तो एक बार आप लोग भी इसको बना करके ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बैंगन जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, इसमें कोई भी कसर नहीं रह गई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जो न्यू हैं और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बार बार चैनल पर इस तरीके से आते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।